बदायूं के सरकारी नलकूप की दबंग पर रहती है चाबी, करता है अवैध वसूली, लगा आरोप। पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही दो दिन बंद करके जबरन एक सादा कागज पर अंगूठा लगवाया। ये पूरी घटना बदायूं जिले के नलकूप उपखंड बिसोली का है, जहां ऑपरेटर व गांव का ही दबंग मुनेंद्र पर अवैध वसूली व मारपीट का आरोप लगा है। सरकार की मंशा पर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से एक दबंग किस तरह पानी फेर रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मामला बिसोली कोतवाली क्षेत्र के गांव बीधा नगला का है, जहां सरकारी नलकूप संख्या 242 की चाबी वर्षों से गांव के ही दबंग मुनेंद्र के पास रहती है, जिससे ट्यूबवेल ऑपरेटर की मिलीभगत से मुनेंद्र किसानों से सिंचाई के नाम पर अवैध वसूली करके आपस में बंदरबांट करते थे। वे किसानों से सिंचाई के बदले अवैध वसूली वर्षों से करता आ रहा है, जिसकी शिकायत जेई से की गई और 22 मई को जांच करने जेई व ऑपरेटर सरकारी नलकूप पर पहुंचे। जब शिकायत पर भड़के दबंग ने नलकूप चालक और जेई के सामने ही दबंग ने सूरजपाल के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि उससे दबंग मुनेंद्र सिंचाई के 50 रुपए बीघा लेता था, जब ट्यूबवेल की मोटर खराब हुई तो उससे 500 रुपए लिए गए थे। उससे मैं करता हूँ भराई। एक हमारे गांव का दबंग है मुनेंद्र, ये 50 रुपया बीघे की वापसी लेते हैं तुमसे। 700 रुपये साहब मैं दे चुका। किस बात के? वापसी की और 200 रुपये मोटर। ठीक है। यहाँ पे साहब जय साहब ऑपरेटर साहब आए, मैंने उनसे शिकायत की, उनने मेरे लिए मारा। किसने मारा? मुनेंद्र ने कुएं पे मारा था। हाँ, वीडियो भी बनी है साहब, वीडियो है। अच्छा। फिर मैं चौकी गई, मैंने साहब चौकी तहजीब दी, चौकी वालों ने मुझे फटकार दी। फटकार के बाद में साहब मैं मतलब दूसरा तनाव मुझे फिर भी नहीं, उनने साहब मेरा जबरिया चौकी इंचार्ज पुलिस वालों ने मेरा अंगूठा बिसोली जबरिया लगवा दी। अच्छा। मैंने कि फैसला नहीं करूँगा, बोला करेगा नहीं, जबरिया उन्होंने मेरा अंगूठा हाथ में लेके लगवा दी। महाराज मेरे लिए किसने? पुलिस वालों से चौकी इंचार्ज। अच्छा।